हाय डियर स्टूडेंट्स, डी के शर्मा जूलॉजी प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अलावा जो और एक्सक्रीटरी आर्गन है, किडनी के अलावा जो अदर एक्सक्रीटरी आर्गन है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसे किडनी के अलावा तीन एक्सक्रीटरी आर्गन है, कोई पूछे आपसे मेन एक्सक्रीटरी आर्गन कौन है तो क्या बताएंगे? किडनी। क्या बोलेंगे? किडनी मेन एक्सक्रीटरी आर्गन है। मेन एक्सक्रीटरी आर्गन कौन है? किडनी। ये मेन है, मुख्य। इसके अलावा कौन कौन है? तीन। हम सब बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। हमें एक का शब्द में लिख देना, उतने कुल आ जाएगा। अदर एक्सक्रीटरी आर्गन, तब इसको हटा देते हैं हम। अब देखो, अदर एक्सक्रीटरी आर्गन में कौन कौन है? तीन। ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, देखिए तीन एक्सक्रीटरी आर्गन और हैं। पहला लंग दे रहा है, दूसरा लीवर दे रहा है, तीसरा स्किन दे रहा है। मतलब इस तीन एक्सक्रीटरी आर्गन, बोलिए हाँ क्या? लंग है, लीवर है, स्किन है, ये एक्सक्रीटरी आर्गन और हैं। तो हम आपको बता दें, जो लंग होता है, देखिए इधर लंग, ये क्या करता है? 200 ml CO2 रिलीज करता है पर 200 ml CO2 रिलीज करता है। देखिए जरा बुक में, आपके पढ़िए बाप, किताब ऐसे पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। पहले दो लाइन में देखो लिखा होगा 200 ml CO2 रिलीज पर मिनट दिया, ऐसा कुछ 200 ml पुरानी बुक आपकी हो गई है बहुत, नई में देखिए 200 ml। का बायोलॉजी पढ़बो यार, तू लोग बायोलॉजी की धज्जी उड़ा रहे हो। नई किताब किसकी है? 1800 ठीक है वो, हम थोड़े करें 18 एम सही है लीटर, लेकिन 200 ml पर मिनट दिया है ना। देखो यह दिया है 200 ml पर मिनट, रिलीज पर मिनट। या अब एक तो याद रहे, दूसरा का आ जाएगा तो बुग्गा बन जाओगे जाके वहीं पे। या 18 लीटर पर डे करके देगा, दिया है क्या? 18 लीटर पर डे। आप समझे हो? दो बातें याद करिएगा, इस समय जो नई बुक्स आ रही उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। लंग जो होता है कौन? लंग 200 ml CO2 रिलीज करता है पर मिनट, या 18 लीटर CO2 पर डे, ऐसे लिखते हैं 18 लीटर CO2 पर डे, प्रतिदिन की बातें हैं ये। आप क्वेश्चन नीट का दो क्वेश्चन बन गया, पर डे तो 18 लीटर, बोलिए पर मिनट तो 200 ml। कोई प्रॉब्लम? आपको कोई दुख तकलीफ? सिकंदर महान नहीं ना, पढ़िए जमजमा के। नेक्स्ट लीवर, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी की है, लार्जेस्ट लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी,
एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन में ऑफ द बॉडी है ना, ये क्या निकालता है हमें पता नहीं, लेकिन हम बता देंगे ही। ये देखिए, बाइलीरुबिन निकालेगा, बाइलीरुबिन, बाइलीवर्डिन, और क्या निकालेगा, बीबीसी कोलेस्टेरॉल निकालेगा, डिग्रेडेड स्टेरॉयड दिया है, स्टेरॉयड, फिर विटामिन और ड्रग्स। हो गया, इसको एक को चीज भूलना नहीं है, संख्या छः होगी, एक दो तीन चार पाँच छः, गिनती कर ले, छः जी निकालता है बीबीसी, बीबीसी याद कर रहे हो, बीबीसी और एसवीआईडी, बीबीसी, बीबीसी, बी फार पाइलोविन, बी फार बाइलीवर्डिन, और सी फार कोलेस्ट्रॉल, और क्या एसवीआईडी, एसवीआईडी का मतलब स्टेरॉयड डिग्रेड, और विटामिन और ड्रग्स याद रखिएगा। बोलिए ना, स्किन में स्किन विस्क्रिटरी आर्गन होता है, ऐसे याद करना है आपको, बाकी कुछ नहीं, रामायण महाभारत नहीं पढ़ना है, जो बता रहा हूँ पढ़ लीजिएगा, आपका झक्कास क्वेश्चन होगा। बोलिए, स्किन में दो चीज़ें हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे इसको डिवाइड कर दे रहा है, इसे स्किन में दो चीज़ें हैं, पहला स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, नहीं मिला, इधर देखो, मिला, मिलेगा, स्वेट ग्लैंड से तीन नावला, ये देखिए स्वेट ग्लैंड से तीन, गिनती कर लीजिए, तीन नावला, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड, याद कर लीजिए, सब जैसे बता रहे हैं प्रभु कृपा से, देखो नहीं लिखा है नावला, हमें देखो एक और तीसरा है, यही लिए पैसा लेते हैं, हाँ नावला, ना ओ ला, क्या जी बोलो, ऐसे कर रहे हैं एक्शन में, फोटुआ हटाती कलेक्टर से, ऐसे करके इधर से, फिर ऐसे, नावला मतलब सोडियम क्लोराइड, यूफार यूरिया, यल्फार लैक्टिक एसिड, नावला हो गया। बोलिए भाई, तीसरा है, यही आपको याद करना है, सीबेसियस ग्लैंड, देखिए ये स्वेट ग्लैंड पसीने की ग्रंथि है, ये पसीने ग्रंथि है, कोई आपसे पूछे मेमोरी ग्लैंड कौन मॉडिफाइड ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड की स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड जो महिलाओं में जो है या फीमेल कैंडिडेट मैमल्स के होते हैं उसमें, ह्यूमन बीइंग में जो मेमोरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथियां और जिसे दूध निकलता है वो मॉडिफाइड क्लाउन ग्लैंड है, स्वेट की सीबेसियस, दो में से एक है, बोलो जिसे, रसगुल्ला खाया ही हो, करे हाँ रसगुल्ला खाया, बोलो, गलत आंसर, स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड होती है, रॉन्ग आंसर, कोई फिर की ले रहा आपका,
बोलिए, यही पसीने ग्रंथि मॉडिफाइड द ब्रेस्ट में, मैं सॉरी मेमोरी ग्लैंड में, दुग्ध ग्रंथियों में जो दूध बनाती है बच्चों को पिलाने के लिए, समझे हो। अब आप आ जाए सीबेसियस ग्लैंड में, सीबेसियस ग्लैंड में भी तीन चीज़ें, सीबेसियस ग्लैंड में भी तीन चीज़ें, सा सा सीबम होगा, हाइड्रोकार्बन्स होगा, नहीं है क्या है, सीबम है, सीबम दिया है बुक में, दिया है ना, और क्या दिया है, हाँ सीबम एस्टेरॉल हाइड्रोकार्बन भी दिया है ना, तो लिख रहे थे क्या, बहुत परेशान थे तुम लोग, हाइड्रोकार्बन है, एस्टेरॉल हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, बस हो गया, वैक्सेस, एस एच ए डब्ल्यू, हम अब बता रहे तुमको कैसे लिखना है, अब एकदम अच्छी तरीके दिखते रहे उधर देखो, पर एस्टेरॉल हाइड्रोकार्बन कहाँ गिरा रहे जी, मारेंगे जब में कटनिया जाओगे, हाइड्रोकार्बन्स और पहला हो गया, तीसरा हो गया हाइड्रोकार्बन हो गया, और एस्टेरॉल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, और एक और था ऐसे ना, वैक्सेस, ये तीनों किसके साथ जाते हैं, सीबम के थ्रू, बात समझ रहे हैं ना, ये देखो सीबम में तीन चीज निकलता है, एस्टेरॉल हाइड्रोकार्बन, एस्टेरॉल हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस मिला, एस्टेरॉल हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस किसके साथ जाएगा, ये निकलेगा सीबम के साथ, समझ में आई बात, एस एच डब्ल्यू ए, एस एच डब्ल्यू ए, सा याद करेंगे याद हो जाएगा, एस एच डब्ल्यू ए सा, वही मैं कह रहा था तुम तो लोग पी पी कर रहे हैं तुम्हें, सुनो तो अब हम आपको जो बता रहे हैं सुन लीजिए इसको, लंग से 2 ml CO2 पर मिनट, देखो लंग से 2 ml CO2 पर मिनट रिलीज होगा, या कितना 18 लीटर CO2 पर डे निकलता है, छोड़ो इसको बात को, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसमें BBC और DYG, बोलिए ना, BBC हो गया बाइलरुबिन बाइलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, और क्या हो गया SVID क्या हो गया, मतलब स्टेरॉयड विटामिन्स और ड्रग्स, ठीक, बचा कौन सा, स्किन, स्किन में आपको कौन सा है, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से कौन, नाउला NaCl थोड़ी मात्रा में, यूरिया और, समझ रहे हैं ना, NaCl निकलेगा, यूरिया निकलेगा और लैक्टिक एसिड,
लेकिन वाटर भी निकलेगा, नहीं कहेंगे वाटर तो दिया ही नहीं, समझ रहे हैं ना, वाटर भी निकला निकलता है, पसीने के साथ निकलता है यार, मतलब तू देगा क्यों। अब फिर सेबेसियस ग्लैंड, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस, लेकिन किसके साथ निकलेगा, सीबम। सीबम मतलब होता है जैसे तेल टाइप का होता है, कभी आप साबुन लगा लिए जाड़े के महीने में, साबुन लगा के, सुनो, साबुन लगा के और इसके बाद खूब पोछ के ऐसे कर लीजिए, आपको लगेगा जैसे पूरा हाथ उंगलियों में तेल लग गया है, तो वो सीबम होता है। क्या होता है, सीबम अर्थात आयल, समझ रहे हैं ना। तो ये होगा डिफरेंट टाइप के आपके कौन, अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कोई प्रॉब्लम किसी को है, हाँ हाँ, किसमें, स्टेरॉयड मोन का बना हुआ नहीं, स्टेरॉयड जो होता है वो दूसरा होता है, स्टेराल जो होता है वह उसके डिग्रेडेशन से बनता है। हाँ, ये हार्मोन का टूटा हुआ रूप है। हाँ, और आगे आपको दिखाएं, हो गया ये, अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये सब किसके रास्ते से जाते बाहर, ये किस रास्ते से बाहर जाता है, यह डुओडेनम में छोड़ा जाएगा बाइल डक्ट के द्वारा। ये सब चीज़ें कहाँ छोड़ी जाएंगी, डुओडेनम में, और फिकल मैटर के साथ होता है वो चला जाएगा बाहर, लैट्रिन के साथ बाहर जाएगा ये सारी चीज़ें। ये मुँह के बाहर निकलेगा, मुँह से ऐसे, ये स्किन से बाहर निकलेगा, निकलना है इधर देखो, नाक से निकलेगा, ये इनल अपर्चर से निकलेगा, फ्रंट डोर से, बैक डोर से, और पूरे स्किन से कौन निकलेगा, ये दोनों, समझ रहे हैं ना, आप समझ में आ गए बात। अब इसके बाद जो पढ़ना है, इतने में से क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, अगर इस अदर स्क्रिप्टी आ गए इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ पूछ रहा तो पूछ लिया करे, बुद्र बुद्र, अरे क्या बात करिए तुम लोग, कुछ पूछना है, कुछ क्या पूछना है, खड़े बताओ, पूछो, नहीं पूछना है, क्या पूछिए, जब आई वे नहीं करता कुछ, क्या पूछोगे तुम लोग, नेक्स्ट आगे जो पढ़ना है, अगला डिसऑर्डर है, बोलिए, चलो डिसऑर्डर देखते हैं। डिसऑर्डर है क्या ऐसा कुछ, डिसऑर्डर किसका, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ, यहाँ आप लिख सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर किसी का किडनी फेल हो जाए, अगर किसी का क्या हो जाए, किडनी फेल, किडनी अगर फेल हो जाए तो क्या होगा, इफ किडनी फेल्योर, इफ किडनी फेल्योर अकर्स, अगर किडनी फेल्योर हो जा रहा है,
अगर किडनी फेलियर हो जा रहा है तो क्या फ़ायदा होगा, किडनी अगर फेल हो गई तो यूरिया कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन ब्लड, यूरिया कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन ब्लड, ब्लड में यूरिया कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ब्लड, तो उसको प्यार से हम बोलते हैं यूरिमिया, कॉल्ड यूरिमिया। डिस्कस कर सकता है ये, हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस इज डन, हीमो डायलिसिस इज, डायलिसिस इज डन, तब हीमोडायलिसिस करते हैं। किससे पास करते हैं इसको, ब्लड पास थ्रू, ब्लड क्या करेंगे, ब्लड पास थ्रू, पास थ्रू, प्लाज्मा लाइक सबस्टेंस, विदाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, विदाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बिना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, हो गया। प्लाज्मा होता है की तरह सबस्टेंस होता है बिना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, थ्रू इधर देखिए, हो गया ना। बाय सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब, इसको याद कर लीजिएगा, ये सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब से देखिए इधर, कन्वीनियंट आर्टरी जो होता है, कन्वीनियंट आर्टरी, जैसे यहाँ की आर्टरी काट लेंगे उसको बोलते हैं कन्वीनियंट आर्टरी, उससे इधर देखो सेलोफेन ट्यूब को जोड़ देंगे, और जो मशीन होगा उस मशीन में क्या लगा होगा, उस मशीन में क्या होगा, प्लाज्मा की तरह सबस्टेंस होगा मगर उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होगा, उसी से पास करेंगे, उसी में से पास करेंगे। किसके थ्रू पास होगा वो, सेलोफेन ट्यूब के जरिए। सेलोफेन ट्यूब में छोटा छोटा पोर होता है जिसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल जाता है, बात समझ रहे हैं ना, और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, और फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको फिर कन्वीनियंट वेन में ला के जोड़ देते हैं। जब यहाँ इधर देखिए, जब ब्लड को पास करते हैं तो उसमें एंटी हीपेरिन डाल देते हैं, समझ रहे हैं ना, ताकि ब्लड क्लाट न होने पाए। जब फिर ब्लड लौट के आता है तो उसमें हीपेरिन डाल देते हैं ताकि जो पहले कंडीशन में था वह कंडीशन फिर आ जाए। अभी हम आपको फिगर ट्रैक समझा दें, वही पूरी बातें समझ में आ जाएंगी एक लाइन की बात, और उसमें कोई भी याद करने की ज़रूरत है ये नहीं है। कन्वीनियंट आर्टरी मतलब सुविधाजनक आर्टरी, तो सुविधाजनक आर्टरी ये सबसे नॉर्मल यही होती है, ये बगल से काक के निकाय से जोड़ते हैं ज़्यादातर, और कहीं से यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, कन्वीनियंट आर्टरी और सुविधाजनक आर्टरी। अब इसको फिगर को देख लेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, और उसी फिगर में सब कुछ मिल जाएगा आपको। हीमोडायलिसिस, लिखबो वो बता देंगे, बिना लिखे समझ आता जाएगा। हम दिखा रहे हैं सब समझ में आ जाइए, आप लिख लो अपने मन में। हीमोडायलिसिस इज डन, इज डन, ब्लड पास थ्रू प्लाज्मा लाइक सबस्टेंस विदाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
किसके द्वारा? सेल ऑफ हैंड ट्यूब्स जोड़ते हैं। अब देखिए इसको आप, ये पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो, नहीं तो समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बहरहाल कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये देखिए ये हैंड है, ये क्या है हैंड, यहां से एक नली निकाले, ये कन्वीनियंट आर्टरी, ये सपोज कर लीजिए मशीन है, मशीन बहुत वैसी होती है, हम आपको भाई समझाने के लिए बना रहे हैं, ये सपोज कर लीजिए मशीन है, इसमें क्या भरा हुआ है, बफर प्लाज्मा लाइक फ्लूड, प्लाज्मा लाइक फ्लूड, बट नो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें नहीं है। प्लाज्मा का पीएच 7.4 होता है, आपको बताओ सब वैसे ही रहेगा, बफर है ना। आप देखो ये सेल ऑफ हैंड ट्यूब बेसिस पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, इसमें से क्या निकलेगा, इस फिगर को बना ले, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं करेगा ऐसा आएगा तो। इसमें क्या निकलेगा, यह क्या है, जहां जोड़े हैं वो कौन है, कन्वीनियंट आर्टरी, बोलिए ना। इसमें क्या इंजेक्ट करेंगे, क्या इंजेक्ट करेंगे, एंटी हिपेरिन, ये क्या है, सेल ऑफ हैंड ट्यूब है, ये ब्लड ऐसे से जा रहा है, ये कन्वीनियंट वेन है, इसमें क्या इंजेक्ट करेंगे, इसमें क्या इंजेक्ट करेंगे, हिपेरिन इंजेक्ट करेंगे। ये यूरिया कंटेनिंग ब्लड है, ब्लड विदाउट
विदाउट यूरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया। फिगर अगर समझ में आ गया तो पूरी बात, एक को क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, अब बिना लिखे आपको याद कर ले जाएगा। यहाँ से आ रहा है ब्लड, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सरल तरीका है। देखो तू लुकाता है सब, तेज हो क्या तुम लोग, बहुत ज़्यादा हमको तो ऐसा ही लग रहा है। अब अगर पूछेंगे नहीं आएगा बेटा ना, तो पूजी बना देंगे तुम्हें हम, पूजा से। ये जो बता रहे हैं एकदम रामबाण बता रहे हैं, बहुत जल्दी बनाओ। दिखाई दे रहा है ना, वो मशीन होता है, लेकिन हम तो आपको समझाने के लिए खाली बना दिए, बस खत्म हो गई। हमें कितना दिखाओ जी, लो हो गया। देखो इधर, मैं जो बता रहा था इसमें ये कन्वीनियंट आर्टरी है, यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, इसमें क्या डालेंगे, सॉरी क्या है, एंटी हिपेरिन। क्या डालेंगे इसमें, हिपेरिन डालेंगे, एंटी नहीं, हिपेरिन डालेंगे, ब्लड क्लाटिंग ये रोकता है। यहाँ पे एंटी कर लेंगे, उल्टा हो गया, हो गया। अब देखो हमारी बात सुनो, ये मेरा हाथ है, अरे मेरा हाथ है, सोचो ना यार, हमारी किडनी फेल हो गई। सपोज कर लीजिए ये कन्वीनियंट आर्टरी से क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट के थोड़ा जोड़ेंगे इस नली से,
सेलोफेन ट्यूब्स जोड़ेंगे। सेलोफेन ट्यूब ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये क्या होती हैं, डायलाइजिंग ट्यूब होता है, इसमें से फिल्ट्रेशन हो सकता है, इसमें छोटा छोटा पोर होता है जिसमें से यूरिया निकल जाती है। क्या निकलती है? यूरिया। समझ रहे हैं ना? सेलोफेन ट्यूब का हो कंटेनिंग पोर, इसमें पोर होता है। फॉर एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया, यूरिया के एक्सक्रेशन करने के लिए, बोलिए ना। लेकिन क्या ऐड कर देंगे उसमें? हिपेरिन। हिपेरिन ऐड कर ताकि ब्लड क्लंप ना करने पाए, ब्लड क्लाट ना करने पाए। समझ मारी बातें? अब इसको कहाँ से पास करते हैं? बफर सोल्यूशन से। प्लाज्मा लाइक सबस्टेंस होता है, बफर ने याद कर खाई, प्लाज्मा लाइक सोल्यूशन समझो, जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता। यहाँ लिखा प्लाज्मा लाइक फ्लूइड बट नो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब इसमें क्या नहीं होगा? यूरिया नहीं होगा। नो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब यूरिया एब्सेंट होगा। ठीक। अब यहाँ से ब्लड जब पास होता है, देखो इधर, यहाँ जब ब्लड पास होता है तो इसमें से जो यूरिया होता है, या देखो तीर का हिसाब बना है, यूरिया इसमें निकल जाता है। यूरिया क्या हो जाएगा? निकल जाएगा इसे फ्लूड में। यूरिया निकल गया। अरे बोलिए, हाँ क्या निकला? कहाँ निकला? प्लाज्मा लाइक सबस्टेंस में फिल्टर हो गया ब्लड, बोलिए ना। अब ब्लड जब फिल्टर हो जाता है तो फिर किसके द्वारा? सेलोफेन ट्यूब ला किसमें जोड़ते? वेंस में, कन्वीनियंट वेन में जोड़ देते हैं। ब्लड वापस आ गया, लेकिन वापस आने के पहले इसमें क्या इंक्लूड कर देंगे? एंटी हिपेरिन। क्या जोड़ देंगे इसमें? एंटी हिपेरिन डाल देंगे, ताकि ब्लड फिर किस कंडीशन में आ जाए? नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। बात समझ रहे हैं ना? जो हिपेरिन का प्रभाव है वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। ब्लड प्यूरिफाइड हो गया, डायलिसिस हो गया, या डायलाइजिंग में। इधर देखिए, डायलिसिस प्रोसेस बून है, वरदान है किडनी के पेशेंट के लिए, करोड़ों किडनी के पेशेंट के लिए। डायलाइजिंग, डायलिसिस प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये डायलिसिस प्रोसेस है। क्या है ये? डायलिसिस प्रोसेस है, बून है ये, वरदान। बून मतलब वरदान है। मिलियन ऑफ किडनी पेशेंट, मिलियन ऑफ किडनी पेशेंट, बोलिए ना। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और काम कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन फॉर परमानेंट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन, इधर देखिए, किडनी KIDNEY, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन फॉर परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर। ये किडनी किसकी होगी? किडनी किस कौन दे सकता है? रिलेटिव्स, भाई दे सकते हैं, माता पिता दे सकते हैं, रिलेटिव्स की किडनी होगी, बोलिए ना। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या आता है? किडनी प्लांट ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट कौन कर सकता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन को कौन रिजेक्ट कर सकता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमारी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, हमारी एक किडनी मान लो खराब हो गई, चलो पूरी लाइफ जिएंगे हम? पूरी लाइफ जिएंगे? अगर सपोज कर लीजिए आप किडनी खराब हो गई, मैंने अपनी किडनी एक ठाप को दे दिया, आप भी पूरी लाइफ जिएंगे, हम भी पूरी लाइफ जिएंगे, लेकिन कबड्डी नहीं खेल पाएंगे। हाँ, कबड्डी खेलेंगे तो कहेंगे भैया लो, हमारी बात समझना। सब काम करेंगे लेकिन बहुत तेज वर्क नहीं कर सकते। समझ में आई बात? आप देखो, सुनिए हमारी बात, समझ गए? देखिए, तो मैंने क्या बताया आपको, ये तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया, हुआ एक्सक्रीशन का, क्या डायलिसिस का प्रोसेस। इधर देखो, माथा मत पकड़ो, इधर देखो, आराम पीठ पर टाइट हो, पीछे माथा पे हाथ हटाओ, दोनों हाथ नीचे करो ऐसे। हाँ, ये आप, हमारा हाथ है, किसका हाथ है?
तुम बताओगे सब। ये देखो कौन आर्टरी है यहाँ पे, हाँ कन्वीनियंट आर्टरी, सुविधाजनक आर्टरी, ठीक है। ये कोई कन्वीनियंट आर्टरी नहीं होता, कोई कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक होता है। यहाँ का भी आर्टरी हो सकता है, यहाँ का भी आर्टरी हो सकता है, यहाँ से भी आर्टरी ले सकते हैं। तो वो तो सुविधा, जहाँ सुविधा मिल जाए वहीं कर लो। कन्वीनियंट आर्टरी से क्या जोड़े, सेलोफेन ट्यूब, अरे बोले ना हाँ, क्या इसमें इंजेक्ट करेंगे, ब्लड क्लाट ताकि होने ना पाए। सेलोफेन ट्यूब से कहाँ जाएगा, प्लाज्मा लाइक सबस्टेंस में, जिसमें क्या नहीं है, यूरिया, क्या नहीं है, यूरिया नहीं है। अब यूरिया नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें जब फिल्टर पास होगा तो सेलोफेन ट्यूब में छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें से यूरिया बाहर निकल जाएगा इस फ्लूड में, ठीक है। बचेगा क्या, यूरिया विहीन ब्लड, बिना यूरिया का ब्लड ही ना। अब ये क्या होगा, फिर ये हम इसको लौटा के लेके आएंगे वेन में, सेलोफेन ट्यूब कहाँ लौटा के, कन्वीनियंट वेन में। लेकिन उसके पहले क्या उसमें इंजेक्ट करेंगे, एंटी हिपेरिन, क्या इंजेक्ट करेंगे, ताकि फिर ब्लड उसी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। बोलिए ना, ब्लड क्या हो गया, प्योरीफाइड हो गया। यह किसके लिए वरदान है, मिरियनाफ किडनी पेशेंट के लिए वरदान साबित होता डायलिसिस, आप देखिए। लेकिन परमानेंट इलाज के लिए क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज आप परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। कोई टेंशन है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर किडनी को रिजेक्ट कर रहा है तो कौन रिजेक्ट करेगा, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आपको लास्ट टॉपिक आपको बताते दू, वो डिपेंड करता है कितनी कंडीशन क्या है। ना ना, अरे फिल्टरेशन ट्यूब है यार, ये फिल्टर करने के लिए। चाय की छन्नी में से चाय निकल जाएगा, चाय की छन्नी में चाय बाहर निकल जाएगा, चाय की पत्ती निकल जाएगी, चाय नहीं, चाय की पत्ती निकल जाएगी। इतना बड़ा छिद्र होता है, फिर चाय निकले उसका पत्ती ना निकलने पर। चुप रहते यार, इसको बंद कर दीजिए। इसमें अच्छा है, अगर याद हो जाए बिना याद, इसको अगर ये याद हो जाए फिगर, तो बिना आप देखे कुल क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे आया हुआ कि नहीं, बोलो कर सकते। इसलिए कंसेप्ट बनाया जाता है। अगला जो बात बता रहे हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, किरीनल कल्कुलाई है, रीनल कल्कुलाई, स्टोन ऑफ किडनी इसको बोलते हैं, स्टोन ऑफ किडनी, किडनी का स्टोन। इसमें क्या होता है, ऑक्सलेट साल्ट एक्युमुलेटेड इन किडनी, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, ऑक्सलेट साल्ट एक्युमुलेटेड इन द किडनी, जिससे भयंकर पेन होता है, दर्द होता है, विच फार्म, किडनी का पत्थर बनाता है, विच फार्म रीनल कल्कुलाई, क्या बनाता है, रीनल कल्कुलाई। दूसरा दूसरा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस इसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ
इन्फ्लामेशन ऑफ किस में, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन आया जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। क्या कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लो। कुछ और दिया है, किडनी फेल्योर, किडनी फेल्योर भी दिया है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है। इधर देखिए, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ये क्या काज करता है, इससे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, फिल्ट्रेशन नहीं होता कायदे से। अगला कोई डिजीज और रखे है तो रिनल फेल्योर तो आपने आपको यूरिमिया में पहले ही बता दिए हैं, समझाने के लिए कि रिनल फेल्योर में किडनी फेल्योर। इधर देखो, जो पहला मैंने बताया, अगर किडनी फेल हो जाए, मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया किडनी फेल अगर हो जाए, इसी को बोलते हैं रीनल फेल्योर। सुनो, पहले ही समझा दिए, किडनी अगर फेल हो जाए तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाती, इसको हम बोलते हैं यूरीमिया। पढ़े हैं ना, जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती, अलग से दिया और बता दें हम उसको भी समझा दें, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, हीमोडायलिसिस करते हैं, समझ रहे हैं ना, उसे रीनल फेल्योर किडनी फेल्योर के ही लिए है। और कोई डिजीज दिया बता दी, और आपको बता दें हम एक दो डिजीज और बता दें ताकि आप जान जाइए। एक हीमेटूरिया होता है, हीमेटूरिया, हीमेटूरिया ब्लड पास थ्रू यूरिन, हीमेटूरिया, पाइयूरिया, पस सेल पास थ्रो पस सेल पास थ्रो यूरिन पाइयूरिया। हो गया, पस से अगर निकलने लगे यूरिया के साथ तो इसको हम बोलते हैं पाई यूरिया, अगर ब्लड निकलने लगे तो इसको हीमेट यूरिया कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई होता है। ऑक्सलेट साल्ट अगर एक्युमुलेट हो जाए तो इसको बोलते हैं किडनी का स्टोन या रिनल कल्कुलाई, उसे बोलते हैं। समझ में आई बात, रिनल कल्कुलाई या किडनी स्टोन। हो गया, अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ, कहाँ बैग बांध रहे बेटा, ना बेटा, चलिए इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए, हाउस फ्लाई में स्क्रिटरी आर्गन क्या होता है, हाउस फ्लाई में स्क्रिटरी आर्गन क्या होगा, क्वेश्चन मेरा आंसर आपका, हाउस फ्लाई में, हाउस फ्लाई में स्क्रिटरी आर्गन क्या होगा, आर्गन में पूछ रहा हूँ, हाउस फ्लाई में स्क्रिटरी आर्गन क्या होगा, बोलो बेटा सभी लोग, माल पिघियन टिब्यूल, सही बोल रही लड़के, इंसेक्ट में माल पिघियन टिब्यूल ही होता है ना, तो इंसेक्ट हाउस फ्लाई दे दिया तब कहो सर जी आप इंसेक्ट पढ़ाए थे, हाउस फ्लाई नहीं पढ़ाए थे, इंसेक्ट में चींटी भी आएगी, इंसेक्ट में हाउस फ्लाई भी, काकरोच भी आएगा, उसी में जो है गुबरेले भी आएंगे, इसको बोलते हैं बिटल्स भी आएंगे, उसमें एफिड भी आएंगे, सब इंसेक्ट है, टर्माइट्स भी आएंगे, सारे इंसेक्ट सब में माल पिघियन टिब्यूल, बोलिए ना। हेमिकार्डियम स्क्रिटरी आर्गन क्या होता है, हेमिकार्डियम स्क्रिटरी आर्गन क्या होता है,
प्रोबोसिस ग्लैंड। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। टीनोफोरम होता है, सिनेटम होता है, स्पंजेस में होता है, प्लेटी हेलमिंथिस में होता है। हाँ, प्लेटी हेलमिंथिस में कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? फ्लेम सेल। कौन को याद करेगा? हम आप ही लोग याद करेंगे ना। अगला, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें? एक्सक्रीटरी ऑर्गन टैडपोल में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? टैडपोल में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? प्रोनेफ्रिक किडनी होता है। बात समझ? अच्छा, छोड़ो ज्यादा से बातें। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है ह्यूमन बीइंग में कौन होता है? मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मिसोनेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी होती है, बोलिए ना। अच्छा, वासारिक्टा किस नेफ्रान में एब्सेंट होता है? वासारिक्टा किस नेफ्रान में एब्सेंट होता है, बताइए आप लोग तो। वासारिक्टा किस नेफ्रान में एब्सेंट होता है? कुछ क्वेश्चन भी देखें। वासारिक्टा कॉर्टिकल नेफ्रान में एब्सेंट होता है, और किस में होता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रान। किस में होता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रान में। JGA का फुल फॉर्म बताओ। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। किसके किसके फ्यूजन से बनता है? DCT और अफरेंट आर्टरियोल की सेल के मॉडिफिकेशन कार्ड, यही ना। JGA से क्या निकलता है? हा? रेनिन निकलता है। कौन सा रेनिन निकलता है? ये वाला, बोलिए ना। रेनिन क्या करता है? दो काम खाए रेनिन को बता दीजिए। रेनिन का दो फंक्शन बताइए। पहला काम यह वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को सिकोड़ के ब्लड वेसल को बढ़ाता, फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, बोलिए ना। दूसरा काम करता रास, रेनिन एंजियोस्टेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, याद आया? रेनिन एंजियोस्टेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बोलिए ना। रेनिन का एंटागोनिस्टिक कौन होता है, चलो बताओ। रेनिन का एंटागोनिस्टिक कौन होता है? ANF होता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये वेसोडाइलेटर है। ये क्या है? वेसोडाइलेटर है। और ये क्या है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्वेश्चन खूब किया करिए, जो समझ में ना आए पूछा करिए। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, बोलिए है कि नहीं है, बोलिए भाई। ADH क्या काम करता है? What is function of ADH? ADH का फंक्शन होता है, ADH निकलता कहाँ से है? ADH जो है निकलता है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड। और वह क्या काम करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहाँ से? दो जगह से, कलेक्टिंग डक्ट और DCT से। याद रखिएगा इसको, PCT में नहीं, कलेक्टिंग डक्ट से और DCT से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या कहेंगे इसको? इसकी कमी हो जाए तो क्या कहेंगे? डायबिटिस इंसिपिडस। हाँ यार, बोल तो रहे हो तुम लोग, डायबिटिस इंसिपिडस कहते हैं।
अगला देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। अब देखिए आगे जो पढ़ना है, अगर यूरिन से कीटोन बॉडी पास होने लगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या न्यूरिया। कीटो न्यूरिया, कीटो न्यूरिया हो गया। अगर ग्लूकोज पास होने लगे यूरिन से तो क्या कहेंगे उसको, ग्लाइको सूरिया। अरे सूर्या याद कर लियो, ग्लाइको सूर्या हो गया। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तब क्या कहेंगे, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल, यहाँ पे नहीं है बहरहाल लेकिन आप बता दे रहे हैं, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो क्या कहेंगे उसको, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। आप ज़रा ध्यान दीजिए, कीटोन्यूरिया और हाइपर कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है। डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उसमें डिजीज होता है। अब आगे बताइए जो पूछ रहे हैं हम, सुनो ए लड़कियों इधर देखो, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या सीक्रेट होता है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने हो तब बोले हो मेंढक की तरह। मैंने क्या कहा, कलेक्टिंग डक्ट में आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या दो चीज़ें ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन। यूरिया भी थोड़ी मात्रा में निकलता है, निकलता है उसमें ट्यूबुलर सीक्रेशन नहीं होता, याद कर लियो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। ट्यूबुलर सीक्रेशन में पूछ रहा हूँ, निकलने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, याद कर रहे हो। अच्छा, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए पीसीटी में क्या क्या चीज़ें जो ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन अमोनियम आयन, यही ना। अरे बोलो यार, हाँ डीसीटी में क्या ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, वही का ना। डिसेंडिंग लिम्ब में साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो डिसेंडिंग लिम्ब साल्ट के लिए क्या है, इम्परमीएबल। साल्ट के लिए क्या है, इम्परमीएबल, और असेंडिंग लिम्ब साल्ट के लिए क्या है, परमीएबल। वाटर के लिए इम्परमीएबल, कोई प्रॉब्लम। हम यूरिन कहाँ कहते हैं, कोई आपसे पूछे डीसीटी में कह सकते हैं, पीसीटी में कह सकते हैं, यूनिफेरस ट्यूब्यूल में कह सकते हैं, कहाँ कह सकते हैं, केवल कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है कि नहीं है, नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। कुल बात आप समझते रहिएगा, जानते रहिएगा, एक एक पॉइंट की बातें मैंने बताया है, बात समझ रहे हैं ना। 70-80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइड एपिथेलियम होता है जो मैक्सिमम यूरिया, इधर देखो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, एरिया बढ़ा देता है। बोलिए और बताइए, कुछ और पूछे ना। अच्छा, यूरिया का पीएच जनरली कितना होता है, अच्छा यूरिन का पीएच जनरली कितना होता है, 6.8 जनरली होता है। अच्छा, एक नॉर्मल व्यक्ति पर डे कितना यूरिया निकालता है, 25-30 ग्राम यूरिया निकालता है। यूरिन कितना निकालता है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर निकालेगा ना। चलो ठीक, स्लाइटली येलो कलर यूरिया कलर, स्लाइटली येलो कलर यूरिन क्यों होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम। ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के सारे सिस्टम। काउंटर करंट मैकेनिज्म किसमें ऑपरेट होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हो गया, कोई प्रॉब्लम। ये है एक्सक्रीशन,
कोई प्रॉब्लम होता बता दीजिए, और आगे हम लोग पढ़ते हैं तो अगला चैप्टर मिलेगा आपको। ठीक है, चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय।